हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, ब्लड ग्रुप। तो बच्चों, ब्लड ग्रुप को डिवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ए बी ब्लड ग्रुप ओ, इस तरीके से डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो बच्चों, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर, जिसने कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। बच्चों, ये इसलिए ज़रूरत पड़ गई इसे डिवाइड करने की, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई दिक्कत ना आए, हम सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम ब्लड ग्रुप दे सके, ट्रांसफ्यूजन करा सके। लेकिन इनमें से कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो हायर वैरायटी का ब्लड ले सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना ब्लड हर किसी को दे सकते हैं। बस उनमें कुछ चीज़ें और देखी जाती हैं, वो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें भी देखी जाती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है किस तरीके का इनहेरिटेंस होता है ब्लड ग्रुप में। ये क्या है? ए बी ओ ब्लड ग्रुप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, ब्लड ग्रुप। तो बच्चों, ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो इनहेरिटेंस शो करता है बच्चों, वो कैसा शो करता है, आगे चल के हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे बच्चों, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, और मल्टीपल डोमिनेंस। मल्टीपल डोमिनेंस, या फिर इसे हम बोल सकते हैं मल्टीपल एलील होते हैं बच्चों। तो ये किस किस तरीके का शो करता है बच्चों? डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल डोमिनेंस। तो बच्चों, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? अब बच्चों, ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं कुछ होते हैं ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप, करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप होते हैं। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो चक्कर है, हम उसे आज समझेंगे, उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आज हम इसे समझेंगे कि कब हमें कितना आंसर मार्क करना है। कि जब जीनोटाइप पूछा जाए तो जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप हम कैसे पहचानेंगे कि कितने फिनोटाइप होंगे। तो बच्चों, क्या होता है, एक ब्लड का होता है बच्चों ब्लड ग्रुप ए। सबसे पहले एक एक करके चलेंगे बच्चों, ये क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ये किस तरीके से बने हैं हम ये देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए किस तरीके से बनता है। तो बच्चों, ये क्या है, बीजी का मतलब है ब्लड ग्रुप ए। तो बच्चों, ब्लड ग्रुप ए को अगर हम जीनोटाइप की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, जीनोटाइप की फॉर्मेट में इधर रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई ए या फिर आई ए आई ओ। ब्लड ग्रुप ए के दो जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं बच्चों, एक होता है आई ए और एक होता है आई ए आई ओ। इन दोनों जीनोटाइप से एक तरीके का फिनोटाइप बनता है, जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। ये क्या है, फिनोटाइप, जो हमें पता है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये क्या है, फिनोटाइप। और ये क्या है बच्चों, जीनोटाइप। ये कैसा जीनोटाइप है, आई ए आई ओ। तो बच्चों, अब हम यहां से ये एक एक करके प्रूव करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से ये जो है, इसमें डोमिनेंसी आएगी, कोडोमिनेंसी आएगी, मल्टीपल डोमिनेंसी आएगी, ये हम प्रूव करते हुए चलेंगे बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, आई ए। तो हमें इसमें डोमिनेंसी का पता नहीं चल रहा है वैसे, तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो ब्लड ग्रुप सेम ही आएगा बच्चों, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील ही है ए और ए। तो ब्लड ग्रुप क्या आ गया बच्चों, ए। और ये क्या है, ए और ओ, तो इसमें डोमिनेंट क्या है बच्चों, ए है, तो ए डोमिनेंट कर जाता है किसके ऊपर, ओ के ऊपर, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप सप्रेस हो जाता है, और क्या आ जाता है बच्चों, ब्लड ग्रुप ए आ जाता है।
तो इस केस में क्या आ गया बच्चों, ब्लड ग्रुप ए। इस तरीके से हमारे ब्लड ग्रुप ए के कितने जीनोटाइप बनेंगे बच्चों, दो जीनोटाइप, फिनोटाइप कितना हो गया, एक फिनोटाइप। तो ये हमारा एक ब्लड ग्रुप हो गया। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इस वाले पार्ट से हमें पता चल रहा है डोमिनेंसी का। इससे हमें किसका पता चल रहा है बच्चों, डोमिनेंसी का। अब हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं बच्चों, ब्लड ग्रुप बी कैसे बनता है। अब ब्लड ग्रुप बी भी बच्चों इसी तरीके से ही बनेगा, ब्लड ग्रुप बी के भी दो जीनोटाइप बनेंगे और फिनोटाइप क्या होगा बच्चों, एक फिनोटाइप तो यही रहेगा। ये हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आई वी आई वी आई वी आई, तो सेम टू सेम प्रोसेस बच्चों ब्लड ग्रुप बी में रहेगी। तो इसमें भी क्या शो हो रहा है बच्चों, ये डोमिनेंसी शो कर रहा है, क्योंकि बी जो है बी एलील ओ के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए ब्लड ग्रुप बी आया। तो इसमें भी कितने जीनोटाइप हो गए बच्चों, दो। टोटल जीनोटाइप अब तक कितने हो गए बच्चों, चार हो गए, दो चार। और फिनोटाइप कितने हो गए बच्चों, दो हो गए, एक ब्लड ग्रुप ए एक ब्लड ग्रुप बी। अब मैं आगे चलता हूँ बच्चों, ब्लड ग्रुप ए बी की तरफ चलते हैं बच्चों, ब्लड ग्रुप ए बी। अब बच्चों ब्लड ग्रुप ए बी कब आ सकता है, देखो बच्चों ना तो इसमें ओनली ए ब्लड ग्रुप है ना कि ओनली बी ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, इसमें दो एलील प्रेजेंट हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस शो कर रहे हैं, दोनों ही अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या शो हो रहा है, इंफ्यूमेशन लगाओ, डोमिनेंस को डोमिनेंस या फिर मल्टीपल डोमिनेंस, इसमें क्या आएगा बच्चों, को डोमिनेंस, क्योंकि इसमें दोनों एलील क्या हो रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या आएगा, इसमें आएगा आई ए आई ए आई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ब्लड ग्रुप ए बी का फिनोटाइप भी क्या होता है, एक, और जीनोटाइप भी क्या होता है बच्चों, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी का। तो अब कितने जीनोटाइप हो गए बच्चों, पांच, और फिनोटाइप कितना हो गया अब तक, तीन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप ओ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ब्लड ग्रुप ओ कब आएगा, जब ना ए हो ना बी हो, तब क्या आएगा बच्चों, ब्लड ग्रुप ओ। इसमें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, आई ओ, सिर्फ एक यही केस है जिसमें ब्लड ग्रुप ओ बन सकता है बच्चों, और किसी में ब्लड ग्रुप ओ नहीं बन सकता। तो इसमें भी जीनोटाइप कितना हो गया बच्चों, एक, और फिनोटाइप भी एक। इसका मतलब टोटल ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्यों ये क्वेश्चन बनता है कि कितने टोटल जीनोटाइप होंगे ब्लड ग्रुप में और कितने टोटल फिनोटाइप होंगे। तो ये कितने हैं बच्चों, ये है फिनोटाइप कितने हो गए बच्चों, फोर। और जीनोटाइप कितने हो गए बच्चों, जीनोटाइप कितने हो गए बच्चों, सिक्स। आप काउंट कर लीजिएगा, ये ऊपर से लेके सिक्स लिख लेंगे। तो हमें यहां से पता चल गया अपना एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमें मिल गए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। फिनोटाइप कितने होंगे ब्लड ग्रुप में बच्चों, चार। जीनोटाइप कितने होंगे बच्चों, सिक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों, और ये मल्टीपल डोमिनेंस किस तरीके से हुआ, क्योंकि बच्चों इसमें तीनों आ रहे हैं ना, तीनों एलील, इसलिए हम इसे मल्टीपल एलील वाला भी बोल सकते हैं या फिर मल्टीपल डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इसलिए ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। अब बच्चों इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम ब्लड ग्रुप के बेसिस पर ये पता लगा सकते हैं कि किसका बच्चा किसका हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि किसी के पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये बच्चा हमारा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चों कि हम ब्लड ग्रुप से पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा किसका है। तो बच्चों इसी पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच प्रोजेनी सो डैट मैन हु हैज ब्लड ग्रुप ए इज हेटरोजाइगस। तो इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इनके चार बच्चे हैं, तो इनमें से कौन सा बच्चा ये शो कर रहा है कि मैन जो है वो हेटरोजाइगस है। तो हम किस तरीके से देखेंगे ये चीज, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप बताएगा कि मैन क्या हेटरोजाइगस है बच्चों। तो बच्चों हेटरोजाइगस कंडीशन हम ये करके देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसे हेटरोजाइगस ही मानेंगे।
जो डिफरेंस क्रिएट होगा हेटरोजाइगस और होमोजाइगस के बीच में, वही हमारा आंसर होगा बच्चों। तो हम इसे क्या मान के चल रहे हैं, पहले हेटरोजाइगस, तो आई ए आई ओ आई ए आई बी, तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे बच्चों वही बेसिक रूल वाला ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है, आई ए आई ए आई ए आई बी आई ए आई ओ आई बी आई, ये चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बच्चों। इसका ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है बच्चों, ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है ए बी, इसका ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है बच्चों ए, और इसका ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है बच्चों बी। ये जब मैंने हेटरोजाइगस मान के किया तब ये वाली कंडीशन आ रही है, ये वाले ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। अब मैं इसे होमोजाइगस मान के करता हूँ, जो भी डिफरेंस क्रिएट होगा बच्चों वही हमारा आंसर होगा। आइए 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 आइए, तो बच्चों हम इसका भी क्रॉस कराएंगे, इसका क्रॉस कराने पर हमने देखा इसका क्या रहा, आइए 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 आई बी, ठीक है, ये क्या है बच्चों आइए आइए, और ये क्या होगा आइए आई, ये चार कॉम्बिनेशन इधर भी बन रहे हैं जिसमें ब्लड ग्रुप इसका बन रहा है ए, इसका ब्लड ग्रुप ए बी, और इसका ब्लड ग्रुप ए, और इसका ब्लड ग्रुप ए बी। तो बच्चों जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर होगा कि किस तरीके से वो क्रिएट कर रहा है। तो देखो बच्चों अगर हम होमोजाइगस मानते हैं तो होमोजाइगस की कंडीशन में कभी भी ब्लड ग्रुप बी नहीं आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप बी आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम हेटरोजाइगस मान के कर रहे हैं तो इसमें ब्लड ग्रुप बी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ब्लड ग्रुप बी शो कर रहा है क्या कि ये बंदा क्या हेटरोजाइगस। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि ब्लड ग्रुप ओ आंसर क्यों नहीं किया, तो बच्चों ब्लड ग्रुप ओ किसी में बन ही नहीं रहा है, ब्लड ग्रुप ओ आने की कभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, ब्लड ग्रुप ओ का बच्चा कभी भी इनके यहाँ पर पैदा ही नहीं होगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी, ब्लड ग्रुप बी, इसका मतलब फोर्थ आंसर इसका जाएगा बच्चों ब्लड ग्रुप बी। बच्चों अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन किसे अपना ब्लड दे सकता है और कौन किसे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो बच्चों ये क्या है ब्लड ग्रुप, ए है, तो बच्चों सेम ब्लड ग्रुप वाला हमेशा सेम ब्लड ग्रुप को तो देगा ही देगा, जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो ये दे किसे सकता है बच्चों, ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है। ओके स्टूडेंट, और ये क्या है ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप बी किसे दे सकता है बच्चों, ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे सकता है। और ये क्या है बच्चों, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं देगा। और बच्चों एक क्या आता है ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ किसे किसे दे सकता है बच्चों, ब्लड ग्रुप ओ को भी दे सकता है और ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे सकता है। तो बच्चों ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, हम उसे देख लेते हैं बच्चों। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब कौन ले सकता है ब्लड ग्रुप, तो बच्चों कौन ले सकता है ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव लेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या शो कर रहा है बच्चों, अभी हम आगे देखते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है बच्चों, ओ नेगेटिव। तो बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है ये हम एंटीजन आर एच एंटीजन होते हैं वो शो करता है बच्चों, जैसे ए बी के ऊपर क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है इसमें आर एच पॉजिटिव है, ये आर एच पॉजिटिव है, ये इसमें आर एच पॉजिटिव का एंटीजन प्रेजेंट है बच्चों। और ये क्या है ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या डोनेट कर रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसमें आर एच एंटीजन क्या है बच्चों, अब्सेंट है, आर एच एंटीजन अब्सेंट। इसमें क्या होगा आर एच पॉजिटिव का मतलब आर एच एंटीजन प्रेजेंट। तो बच्चों यहां से ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन बनता है बच्चों
कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है। तो हमारी मैक्सिमम इंडिया के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई ब्लड ग्रुप लेने वाला होता है तो बच्चों उसे ऐसा ब्लड ग्रुप मिले जिसमें आरएच एंटीजन अब्सेंट हो, तब वो ब्लड ग्रुप जो है कम घातक होगा ही नहीं। लेकिन अगर हमारे अंदर क्या है बच्चों, आरएच एंटीजन है ही नहीं और हमें कोई ऐसा ब्लड ग्रुप मिल जाए जो जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्या कर जाता है बच्चों, कोगुलेट कर जाता है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जाता, हमें ब्लड ग्रुप भी मैचिंग करनी पड़ती है और आरएच एंटीजन भी मैचिंग करना पड़ता है ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे पहले कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? तो एक होता है ब्लड ग्रुप मैचिंग और एक क्या होता है बच्चों, आरएच एंटीजन मैचिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, बाकी बातें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में करेंगे बच्चों। थैंक यू।